Safia is innocent. We want her back. And we will not rest until we get her back. American State Department ने on record ये बात कही है, उन्होंने कहा हमसे कभी भी पाकिस्तानी स्टेट ने ये इशू टेकअप किया ही नहीं. यानी इशू टेकअप किया वो ना माने वो एक अलग बात है. हमने तो कभी ऑफिशियली खत तक नहीं लिखा. आफिया का केस जो है वो बहुत ही लीगल हवाले से आप देख लें तो उसकी सजा बनती नहीं है. वो बेगुनाह है. This is an extremely traumatized human being who needs human rights and needs help. आफिया सिद्दीकी साहिबा ने अपना एक ख्वाब सुनाया अपनी वालदा को. उनका कि उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह मेरा ये इम्तिहान कब खत्म होगा. उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटी तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, ये मेरी उम्मत का इम्तिहान है. And they give her 80 years in prison, for goodness sake. She's not going to live for 80 years. She's not eligible to be set free until she's 115 years old. रिसेंटली ये जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस, कितने अरसे से ये पेंडिंग रहा और लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन्स भी रही. मतलब बेसिक मैं चाहता हूँ कि कम से कम चलें, जो भी आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में पता है नहीं पता, क्या हम सारे कुछ पॉइंट्स पे अग्री नहीं कर सकते कि भाई चलें, इवन ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में अगर एक औरत को आपने इतने अरसे से कैद में रखा हुआ है. मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक बेसिक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में बता दें कम से कम व्हाट वी कैन ऑल अग्री ऑन, चाहे वो लिबरल तबका हो, चाहे वो हमारी दीनी जमातें हों, चाहे वो किसी भी आपका ताल्लुक स्कूल ऑफ थॉट से हो, कम से कम कैन वी अग्री ऑन सम बेसिक ह्यूमन राइट्स. मैं चाहूँगा उस सिलसिले में कुछ आप जरूर थोड़ी हमारी रहनुमाई. जी बिल्कुल. भाई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2003 में पाकिस्तान से किडनैप हुई, मार्च 2003 में. और उसके बाद इनिशियली जो उनकी फैमिली ने जो बात बताई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब इन्होंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे पास है और आप खामोश हो जाएं. जिसकी वजह से वो थोड़े खामोश भी रहे. खैर बरल 2008 में 7-8 में पता लगा कि वो अफगानिस्तान के अंदर है, बगराम जेल के अंदर. फिर उसके बाद अचानक से वो उनको अमरीका शिफ्ट किया गया. अमेरिका में उनके खिलाफ ट्रायल हुआ और फिर उनको 86 ईयर्स की सजा सुनाएगी. अभी अमेरिका जाने से पहले डॉक्टर फौजिया इस्लामाबाद आई थी. आफिया इज इनोसेंट, वी वांट हर बैक एंड वी विल नॉट रेस्ट अनटिल वी गेट हर बैक. इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस था और उनके लॉयर क्लाइव स्मिथ भी साथ थे. ये बात पता चल गई है कि डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाने में कोई चीज रुकावट नहीं है. सिर्फ हिम्मत चाहिए, सिर्फ जज्बा चाहिए, सिर्फ मनसूबाबंद अंदाज से जदोजहद चाहिए. कोई कानूनी कोई सियासी रुकावट नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 20-22 साल से उसके लिए कोशिश नहीं की गई. इसी तरह सेनेटर मुश्ताक साहब भी उनके साथ गए हैं. तो बल्कि सेनेटर मुश्ताक के साथ हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की, शायद बहुत सारे आपके व्यूअर्स ने देखी भी हो. डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी 20 साल बाद अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने अमरीका जा रही है. इस मौके पर मैं कौम से अपील करता हूँ कि वो खुसूसी तौर पर दुआएं करें. तो उसमें पहली बात तो यह है कि कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थी, शायद ये वो था. ऐसा नहीं है, उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड पीएचडी है. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इज अ पाकिस्तानी न्यूरोलॉजिस्ट हु स्टडीड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम MIT इन 1995. नहीं, वो अमेरिकन सिटीजन थी. लेकिन यह कि स्टडीज उनकी अमेरिका से थी. इसके अलावा कहा जाता है कि उनकी 2-3 शादियाँ थी और शायद उनके कुछ एक्स हस्बैंड्स किसी बैंड आउटफिट के साथ उनका ताल्लुक था. ये बात भी गलत है. उनकी एक ही शादी थी जिससे उनको डिवोर्स हो गई थी. फिर दूसरा जहाँ भाई जो अफसोसनाक बात है कि जब ये किडनैप हुई, यहाँ से अरेस्ट हुई, मैं तो किडनैप कहूँगा क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो जब भी आपको अरेस्ट किया जाता है तो बेसिक चीज़ ये होती है कि आपको किसी जुर्म के मुताबिक चार्जशीट किया जाता है. आपको कानून के दायरे के अंदर किसी ऐसी अथॉरिटी के पास प्रेजेंट किया जाता है, पुलिस हो गई, अदालत में पेश किया जाता है. इनको तो अदालत में पेश किया गया 2008 के बाद, वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं, अमेरिका में. How can a Pakistani citizen be brought from Pakistan to Afghanistan, get shot? पीप बह रहा है जख्मों में से, she's लागिर हुई भी है, एंड आप उसको अदालत में पेश करते हैं. एक जज कहता है कि दिस इज अ केस ऑफ रेंडिशन, यू कांट शिफ्ट वन पर्सन फ्रॉम वन न्यूयॉर्क बॉर्डर टू अनदर न्यूयॉर्क बरो. How can you cross 3 continents? इनको अभी जो डॉक्टर फौजिया गई है, कैन यू इमेजिन के 20 साल बाद कोई फैमिली मेंबर मिलने गया है,
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने एक और मुलाकात की है। फौजिया सिद्दीकी जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगु में अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात का अहवाल सुनाते हुए रो पड़ी। उन्होंने कहा कि दरमियान में शीशे की दीवार हायल थी, बहन का हाथ थामने की भी इजाजत नहीं थी, आफिया को वालिदा के इंतकाल का बताने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। और इस दौरान उनकी आज से कोई 10-12 साल पहले उनकी वालिदा से फोन पर बात हुई थी, और वो भी यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस्सा की हुई होगी बात तो। और अभी भी जो मुलाकात हुई है उसमें खबरें ये आ रही हैं कि दे वर नॉट अलाउड टू टच ईच अदर, बल्कि दरमियान में एक बहुत बड़ा यानी मोटा थिक ग्लास था, और वो भी जैसा होता है ना जैसा फिल्मों में दिखाते हैं फोन के ऊपर बात की जाती है। अच्छा, उसके सितम बालाए सितम ये कि उनकी फैमिली को ये भी नहीं अलाउ किया गया कि वो उनके बच्चों की तस्वीरें, यानी एक माँ ने 20 साल से उसको ये नहीं पता कि उसके बच्चे जिंदा हैं, मर गए, कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चों के बारे में बताया जाए। तो उनकी जो सिस्टर हैं डॉक्टर फौजिया, उन्होंने उनको पिक्चर्स दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने पिक्चर्स नहीं दिखाने दी। तो यानी ये अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें तो यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी नहीं दिए गए। किस मुँह से मैं क्या कहती, लेकिन उसको गले लगा के उसका कुछ गम उसकी कुछ तकलीफ तो अपने सर ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं जा सकती। शीशे में से मैंने कोशिश की, बहुत खुशामद की कि बच्चों की तस्वीर तो दिखा दूं कि वो कितने बड़े हो गए, 20 साल बीत गए, जवान हो गए, उन्होंने नहीं दिखाने दी। जो इनका केस है पूरा, इनके ऊपर जो चार्जशीट अमेरिका में हुआ उसमें इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस है। अगर टेररिज्म के चार्जेस होते तो कुछ ना कुछ बात समझ आती कि यार चलो, और फिर हम भी शायद कहते कि शायद वाकई कोई ना कोई ताल्लुक रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने खुद जो इनको चार्जशीट किया वो इस बात पर चार्जशीट किया, बगराम के अंदर जब इनको इन्होंने रखा हुआ था अफगानिस्तान का एक सूबा गजनी, वहाँ पर तो वहाँ पर एक कर्टन के पीछे इनको रखा हुआ था, और उसमें क्या हुआ कि ये वहाँ से उठती हैं, मेरीन कॉर्प्स के 6 ट्रेंड फौजी कॉम्बैट में एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको एक कमज़ोर सी खातून वो उठती है, उनको टैकल करती है, उनसे वेपन खींचती है और उनको शूट करने की कोशिश करती है, और इन द प्रोसेस खुद उसको बुलेट इंजरी हो जाती है, और वो मस्जिद की दीवार तक नहीं पहुंची कि शी स्लम्प्ड। इस हालत में आप सोचें, आफिया वहाँ पे थी जब वो कहते हैं कि इस हालत में इसने जो है उनके लहीम शहीम लश्कर मुनीर 6-6 फिट वाले जो हैं सोल्जर्स उनसे गन छीन ली, और इस बेस पर कि जी इन्होंने इरादा किया था कि ये अमेरिकन सोल्जर्स को ये कत्ल करें, इस बेस पर इनको 86 ईयर्स की सजा सुनाई गई है अमेरिका के अंदर। इस वक्त ये जेल के अंदर सजा अपनी काट रही है 86 ईयर्स की, और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया कि ये उस जेल का जो सबसे ज्यादा सख्त वाला, जो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के लिए जो डिटेंशन एरिया होता है, इनको वहां पर रखा हुआ है। देखिए, पहले जब मैं जेल गया तो एक बहुत ही खौफनाक जेल था, और जब मैं पहले दरवाजे से अंदर गया तो मुझे जंजीरों, बड़ी बड़ी चाबियों और हथकड़ियों की झंकार वो नजर वो सुनाई दी। दो छोटे छोटे कमरे थे जिसके दरमियान में एक मुरब्बा मीटर का एक शीशा लगा हुआ था दीवार में, और उस दीवार के उस तरफ डॉक्टर आफिया बैठी हुई थी, और अपनी मुलाकात के अंदर भी बार बार इस बात का जिक्र करती थी। और इसके अलावा जो अपेरेंटली उनकी जो हालत थी उसमें यह था कि उनके जो सामने वाले दांत हैं वो नहीं थे, वो खत्म हो गए, यानी जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया जेल के अंदर उसके नतीजे में। इसके अलावा उनको कहीं हेड इंजरी हुई थी जेल में, जिसकी वजह से उनकी जो सुनने की सलाहियत है वो भी काफी हद तक मुतासिर हुई है। उनकी उनकी अपीयरेंस कैसी थी? उनकी सामने के चार दांत, जो ऊपर जबड़े के चार दांत हैं वो टूट चुके हैं, और वो भी तशद्दुद से टूट गए। तशद्दुद से यानी मुंह में मारा गया उन्हें? हाँ बिल्कुल, वो तो मारते हैं, यहाँ तो बहुत तशद्दुद होता है। ये जो जिस जेल के अंदर ये है, ये बदनाम जेल है, इस वक्त भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का इसकी कई इंक्वायरियां चल रही है। और इसके अलावा जो जाहिर सी बात है, फिर जो मेंटल ट्रॉमा और वो बाकी सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं जया भाई। और इसमें यह है कि अब एक बहुत अरसे बाद एक उम्मीद पैदा हुई है। दो बंदे वो रिहा हो गए ग्वांटानामो से, एक 20 साल के बाद सैफुल्ला प्राचा साहब, और दूसरा 21 साल के बाद रब्बानी अहमद रब्बानी साहब। हिरासती मरकज ग्वांटानामो से पाकिस्तानी कैदी को रिहा कर दिया गया है।
सैफुल्लाह पराचा आज सुबह पाकिस्तान पहुंच गए हैं। हुकाम ने दो पाकिस्तानी भाइयों को 20 साल तक बगैर किसी इल्जाम के ग्वांतानामो बे जेल में कैद रखने के बाद जुमेरात को उनके वतन वापस पहुंचा दिया गया। तो मैं समझता हूं उसके बाद हमें बिल्कुल वाज़ह रोशनी नजर आ रही है कि अगर सीरियस एफर्ट्स की जाए, कॉम्प्रहेंसिव एफर्ट्स की जाए, इखलास के साथ एफर्ट्स की जाए, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जो है वो बिल्कुल आसान है कि हम उनको रिहाई दिला सकते हैं। तब हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह जो यूं वक्त गुजरता है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो एक नॉर्मल रैशनल इंसान है ना, मैं तो भी ये नहीं कह रहा मुसलमान है या पाकिस्तानी है, कुछ भी है, आई थिंक हर इंसान ये बात अग्री कर सकता है कि देखें ह्यूमन डिग्निटी कोई चीज़ होती है। अगर किसी के बारे में कोई आपको मसला भी है, लेट सपोज कि कुछ भी, हमें तो अभी अब केस की तहकीकात हैं, डिटेल्स हैं, जो भी हैं, एवरी ह्यूमन बींग डिजर्व्स कि उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर उसकी सजा बनती है तो सजा दें आप, बकायदा उसके ऊपर चार्जेस लगाएं। और ये केस बड़ी हैरानगी की बात है जया भाई, यानी आपको भी पता होगा, आपके व्यूवर्स भी सुन रहे हैं, ये केस ऐसा केस है कि मेरा ख्याल है शायद ही कोई बंदा हो पाकिस्तान में जिसको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ ना मालूम हो। सबको पता है, सबको पता है वो मजलूम है, सबको पता है कि वो बेगुनाह है। और ये एक तरह से हमारे लिए ना एक कौमी गैरत का भी मसला है। और एक और मज़े की बात यह कि कल फौजिया सिद्दीकी की जो उनकी सिस्टर है, उनकी एक में उनकी जो मूवमेंट है, आफिया मूवमेंट उन्होंने बनाई हुई है, तो वहाँ पर उनका एक बयान लगा हुआ था। वो ये था कि आफिया को तो ये भी नहीं पता कि उनकी वालदा जो है वो फोत हो चुकी हैं, बल्कि उन्होंने बार बार अपनी सिस्टर से पूछा कि वालदा किधर है, वो क्यों नहीं आई, उनका हाल कैसा है। तो वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया एक टीवी चैनल को, उन्होंने बताया कि मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनको बता सकूं। मेरे उसने अम्मी का पूछा, मैंने दिल में मुझसे कुछ नहीं कहा गया, मैंने कहा तुम अहमद का सुनो, तुम मरियम का सुनो। मैं उसको यूँ टालती गई और मैं अम्मी के अम्मी ने कहा था हिम्मत नहीं हारना, अम्मी ने यूँ कहा, अम्मी ने यूँ, अम्मी की बात है, लेकिन मुझसे उससे नहीं बताया गया। तो खैर, तो बहरहाल ये सूरत हाल है। इसमें यह है कि अभी एक उम्मीद पैदा हुई है और कोशिश की जा रही है कि कंपैशनेट रिलीज के ज़ुमरे में इनको कर दीजिए। और बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी हैं, मसलन प्रिजनर एक्सचेंज का होता है मामला, लेकिन उसमें बताया ये जा रहा है कि उसके लिए सिर्फ उन कंट्रीज के साथ होता है जिनके साथ ट्रीटीज़ हो। तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि जिसमें हमारा उनके साथ प्रिजनर एक्सचेंज हो सके। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि कंपैशनेट रिलीज। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, उन्होंने कहा कि हमसे कभी भी पाकिस्तानी स्टेट ने ये इशू टेकअप किया ही नहीं। यानी इशू टेकअप किया वो ना माने वो एक अलग बात है। हमने तो कभी ऑफिशियली खत तक नहीं लिखा कि ये एक बेगुनाह हमारी सिटीजन है, इसके साथ ये मामला हुआ है, तो आप इसमें हमें बताएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारी स्टेट ने कभी भी खत भी नहीं लिखा। तो ये बड़ी एक आप कह लें कि अजीब सी और मायूस कुन बात है। और दूसरा ये कि जया भाई, यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, बैक इन 2011 जब उनकी वालदा की फ़ोन पर उनसे बात करवाएगी, तो आफिया सिद्दीकी साहिबा ने अपना एक ख्वाब सुनाया अपनी वालदा को। उन्होंने कहा कि उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह मेरा ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा। तो जो अल्लाह के नबी थे तो वो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटी तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, ये मेरी उम्मत का इम्तिहान है। और मैं ये समझता हूँ वाकई अब हम जैसे लोगों का, और ये मैंने हसल कौम, ये हमारा जो है ना ये इम्तिहान है।